सियाराम। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं सोनल टोपी वाला। दिव्यांग न्यूज के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में अयोध्या से राम आए, ऐसा कह सकते हैं कि वो जिसके शिष्य है वो है पद्म विभूषण। जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आचार्य रामचंद्र दास जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ परिचय दीजिए। वैसे दर्शक तो सब हमारी परंपरा को जानते ही हैं। मैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि चित्रकूट में तुलसीपीठ के आचार्य हैं, मैं उनका एक शिष्य और उस पीठ का मैं उत्तराधिकारी हूँ। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। आपका जन्म कैसे हुआ और आप वो गुरु जी तक पहुँचे कैसे? वैसे मेरा जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का है, और थोड़ा सा मेरा बाल्यकाल गुजरात में बीता है, सूरत में। लेकिन यहाँ से 10 वर्ष की अवस्था में मैं जगत गुरु जी के पास गया और उन्हीं के माध्यम से मैंने वैदिक विद्या का और आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन किया है। और अभी वर्तमान में संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से मैं आचार्य की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। भारतवर्ष में अयोध्या का बहुत महत्व है, निश्चित। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानाएंगे? देखिए, अयोध्या जो है वो हमारी मोक्षदायिनी पुरी है, 7 पुरियों में। और अयोध्या में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, देखिए भगवान बहुत हुए, लेकिन राम जी की महिमा इसलिए अधिक है क्योंकि राम जी का ही एकमात्र ऐसा अवतार रहा जिससे मानव कुछ न कुछ सीख सकता है अपने जीवन में। राम जी ही एकमात्र ऐसे अवतार रहे कि जो एक मानव जीवन को प्रेरणा देने के लिए उनका जीवन रहा। इसलिए अयोध्या का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और आज तो एक विशेष उत्सव का दिन है कि इतने सदियों की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, लाखों हिंदुओं का बलिदान हुआ, और आज उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने उस भावनाओं को देखते हुए और उन साक्ष्यों को देखते हुए आज हिंदुओं के पक्ष में और रामलला विराजमान पीठ को वह संपूर्ण विवादित भूमि सौंप दी है। और ये हम लोग के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, हम कह सकते हैं। राम जन्मभूमि की बात की जाए तो लोगों की आस्था उससे जुड़ी है, तो वह ऐसी कौन सी देखने लायक वहाँ प्रभु राम की से जुड़ी हुई है? देखिए, ऐसा है कि अयोध्या जो है एक तो राम जी की जन्मभूमि है और सूर्य वंश की जो परंपरा थी वह उसकी राजधानी है। और ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा मिला कि वह अखंड भूमंडलापति चक्रवर्ती महाराज जो दशरथ जी थे, वो उस समय एकमात्र पूरे भारत के राजा थे, पूरे राजवंशी परंपरा के राजा थे, वो मुकुटमणि थे। राम जी की जन्मभूमि है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मीर बाकी का जो सेनापति था वो बाबर आया और आक्रमण करके वहाँ पे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद उसने बना दिया। तो मस्जिद के बाद चूँकि मुगलों का आक्रमण यहाँ पर रहा, तलवार के बल पे उन्होंने सत्ताएं बदली, सत्ताएं हासिल की और अपनी विचारधारा को इस देश पर थोपा है मुगलों ने, तो इस कारण से मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद, चूँकि मंदिर की पूरी आकृति तो थी, ऊपर की जो आकृति थी उस गुम्बज को तोड़ करके उन्होंने अपना मस्जिद का स्वरूप दे दिया। उसके बाद जब धीरे धीरे लड़ाई बढ़ी और रामलला वहाँ पे, चूँकि मंदिर तो मुख्य तौर रामलला का था, रामलला विराजमान हो गए, फिर उसके बाद पहले तो शारीरिक लड़ाई चलती रही, वैचारिक लड़ाई चलती रही, फिर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और आप सोचिए कि देश के हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस मंदिर का ताला भी खुलवा के रामलला को विराजमान कराया, तब भी समझने को ये लोग तैयार नहीं हुए, सुन्नी वक्फ बोर्ड कहा जाए जिन्हें। और उसके बाद वह मुकदमा पहले हमारे हाईकोर्ट आया, हाईकोर्ट से हम सब के पक्ष में निर्णय आया, हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया कि वह भूमि जो है वो रामलला की है। फिर उसके बाद भूमि उन्होंने थोड़ी सी निर्णय में जो गड़बड़ी की कि भूमि के लिए फिर एक लड़ाई छोड़ दी, फिर उसके बाद वह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज इतनी लंबी सुनवाई के बाद, और ऐसा हमने सुना कि अब तक आज़ादी के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा मुकदमा है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्वीकार कर लिया है। अपने जजमेंट में स्पष्ट उन्होंने कहा कि हमें मस्जिद का कोई भी साक्ष्य यहाँ नहीं मिला है, नमाज का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यह जन्मभूमि जो है, यह विवादित भूमि, यह रामलला की है और पूरे मंदिर के ही यहाँ साक्ष्य मिले हैं, इसलिए आज वह भूमि हम सबको मिली है। और अयोध्या का महत्व इसीलिए हमारे लिए विशेष महत्व है। वहाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर है, उसके सिवा और क्या क्या देखने लायक है वहाँ को? अयोध्या में
चूंकि रामलला का हमारे कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है जहाँ पे राम हनुमान जी दिव्य सेवा में विराजमान हैं, और भी अनेक स्थान अयोध्या में हैं। पहले तो एक मैं विशेष बात आपको बताऊं कि जब ये मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो उस समय हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि रामलला की जन्मभूमि यही है। तो उसमें ये बात उठी, तो उसमें अब चूंकि हमारे यहाँ तो बहुत पढ़ते लिखते हैं नहीं लोग, जब एक बार भगवा धारण कर लिए तो फिर वो ग्रंथों को कभी छूते नहीं हैं, तो कोई भी संत जो है प्रमाण देने नहीं गया। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है, आपको भी जानकर अच्छा लगेगा कि स्वयं एक दिव्यांग होते हुए और बचपन से दृष्टिबाधित होते हुए, चूंकि ये दिव्यांगों का विशेष चैनल है देश का एकमात्र, मैं आपको भी बधाई दूंगा, एक दिव्यांग होते हुए पद्म विभूषण पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जो कि मेरे गुरु जी हैं, जब उनके पास ये बात आई तो उन्होंने कहा कि देखो इस मुकदमे में रामलला नाबालिग हैं, और जब आरोपी या कोई भी मुकदमा का व्यक्ति नाबालिग होता है तो उसकी तरफ से उसके गार्जियन जो होते हैं वो पक्ष लेकर जाते हैं, और मेरा जन्म जो है रघुकुल की परंपरा में वशिष्ठ गोत्र में हुआ है, इस कारण से मैंने राम जी का परंपरा से नमक खाया है और इस मुकदमे में मुझे जाना पड़ेगा। और वो जगतगुरु होते हुए, एक यूनिवर्सिटी के लाइफ लॉन्ग चांसलर होते हुए, कुलाधिपति होते हुए, वो गए और कटघरे में रह के पूरा साक्ष्य उन्होंने दिया, स्कंद पुराण से दिया, वेद यजुर्वेद से दिया, ऋग्वेद से दिया, वाल्मीकि रामायण से दिया, और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सरयू नदी से इतने धनुष की दूरी पर, पहले जैसे आज हम मीटर का सेंटीमीटर का नाप रखते हैं उस समय धनुष का नाप होता था, तो बोले इतनी धनुष की दूरी पर रामलला की जन्मभूमि थी, दशरथ जी का महल था, यहाँ से ठीक इतनी दूरी पर सीता जी की रसोई थी, इतनी दूरी पर कौशल्या जी का महल था, और जब उसके बाद खुदाई हुई तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वहाँ वही साक्ष्य निकले। और हाई कोर्ट, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो निर्णय में स्पष्ट पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का उद्धरण दिया उसने अपने निर्णय में, और कहा कि ये सारा साक्ष्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने दिया है इसलिए, और यह प्रामाणिक चीज है इसलिए हमने इसको अपने निर्णय में ऐड किया है। आप और आपके गुरुजी दिव्यांगों के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? अभी वर्तमान में जो कार्य जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं वैसा कार्य किसी ने किया नहीं है। दिव्यांगों की निम्न शिक्षा के लिए बहुत सारे संसाधन हमारे देश में उपलब्ध थे, लेकिन उनके उच्च शिक्षा के लिए कोई भी ऐसा विशेष संस्थान नहीं था, और यही बात उनके मन में खटकी, और उन्होंने 2000 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की चित्रकूट में, जो कि राम जी की कर्मभूमि है, और वहाँ पे श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित और अस्थि विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। एक तो हमारा वो प्रकल्प चल रहा है जहाँ से प्रेरणा लेकर दो ब्लाइंड बच्चे आईएएस की तैयारी किए और आईएएस बने भी, वर्तमान में देश में सेवा दे रहे हैं। हमारे यहाँ MBA, MCA, MTech, BTech और PhD, एक सिद्धांत था स्वामी जी का कि हमें KG से PG तक की शिक्षा दिव्यांगों को निःशुल्क देनी है। हमारे यहाँ से बच्चे PhD की भी तैयारी करते हैं, PhD पूरी करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, और वर्तमान में जानकर अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को भी कि वर्तमान में हमारे बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर और रीडर बन के जा रहे हैं, विदेशों तक जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा है मोहम्मद निजाम जो जिसके पास एक ही हाथ है, और वह बच्चा क्रिकेट खेले बांग्लादेश तक गया हमारे यहाँ से। और उसके अलावा हमारा जो है एक इंटर कॉलेज भी चल रहा है चित्रकूट में दिव्यांगों के लिए, जहाँ 5 वर्ष से लेके पहली कक्षा से लेके 12वीं तक हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, और उसमें भी जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में हमारी संस्थान में अभी 2600 बच्चे जो है निम्न शिक्षा और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पद्मश्री कनुभाई टेलर जो दिव्यांगों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और दिव्यांगों के लिए नए नए कार्य करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? पद्मश्री कनुभाई टेलर के विषय में कहना ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, और आज मैं जब बैठा था उनके पास तो मैंने अपने मित्रों से भी सबसे यही कहा कि देखने में हमें लगता है कि ये सामान्य गृहस्थ हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये चलते फिरते ऋषि हैं जिन्होंने दिव्यांगों के लिए इतनी बड़ी परिकल्पना की। और न्यायतः दिव्यांगों के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, वर्तमान में हम लोग तो उनके बीच काम करते हैं, आप अष्टावक्र जी को देखिए या बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं
जिन्होंने देश का परिवर्तन किया। जैसा हमारे जगत गुरु जी कहते हैं कि पत्थर में मूर्ति छिपी है, पत्थर से मैं मूर्ति नहीं बनानी, पत्थर में मूर्ति छिपी है, बस उसके अन्य अवशेषों को हमें निकाल देना है, उसके बाहर जो आवरण है। वैसे ही दिव्यांगों में प्रतिभा छिपी हुई है, बस उनके अंदर जो डर है, एक संकोच है, उसको हमें समाप्त कर देना है। और जब हम उसको समाप्त कर देंगे तो वह दिव्यांग देश के लिए गौरव का विषय बन सकता है। आपके माइंड में दिव्यांगों को कौन कौन सी तकलीफें होती हो? देखिए, वर्तमान में सबसे बड़ी बात दिव्यांगों को तकलीफ तब होती है जब हम उनके मनोभाव को समझ नहीं पाते। हम अपने से उनकी बराबरी करने की तुलना करते हैं, जो कि संभव नहीं है। दिव्यांग, देखिए, पहली बात तो हमें यह भी नहीं समझना है कि वो हमसे कमजोर हैं। दिव्यांग का अर्थ ही हुआ कि जिनके अंगों में दिव्यता है, उनके अंग हमसे कुछ बेटर हैं, जो हम काम नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। हमें बस ये है कि उनके अनुकूल वातावरण देना है, उनके प्रति हमें संवेदना पूरी रखनी है, उनके प्रति प्रेम, उनके मन में उनकी भावनाओं को हमें आगे बढ़ाना है, उनका मनोबल बढ़ाना है। और जब मनोबल बढ़ेगा तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वर्तमान में कमी सिर्फ यही हो रही है कि हम उनके मनोबल को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार और हमारे पूज्य कन्हू भाई टेलर जैसे महापुरुष, पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे महापुरुष, जो कि दिव्यांगता के क्षेत्र में एक मिसाल जैसा काम कर रहे हैं, एक गोवर्धन रूपी पर्वत उन्होंने उठा लिया उस काम का, तो अब आवश्यकता समाज की है कि समाज आकर के इस गोवर्धन में अपनी लठिया लगाए और अपना सहयोग दे, जिससे दिव्यांग जो है वह एक देश के गौरव का विषय बने और देश गौरवान्वित हो उनके ऊपर। राम भूमि की बात की जाए तो हनुमान जी का विशेष महत्व है, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, न्यायतः अगर कहा जाए तो हनुमान जी सारा काम कर सकते थे। जैसा मेरे कहा गया कि राम जी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के तीन काम हैं इस धरती पे आने के, साधुओं का परित्राण अर्थात सज्जनों के मन की रक्षा करना, और दुष्टों का विनाश करना, और धर्म की स्थापना करना। ये तीन काम हैं, और वो तीनों काम राम जी का स्वयं हनुमान जी करने में समर्थ थे। लेकिन फिर भी राम जी को जो दुलार देना था, राम जी का जीवन क्यों आदर्श है हम सबके लिए, क्योंकि वह एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए केवट के पास जा रहे हैं, अपने पास बुलाया नहीं, केवट के पास स्वयं चलकर गए, स्वयं एक चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होते हुए एक भिलनी के जूठे बैर खा रहे हैं। इसलिए राम जी एक इतने बड़े साम्राज्य के युवराज होते हुए भी, एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए भी कोल भील और उनसे मित्रता कर रहे हैं, केवट निषाद से मित्रता कर रहे हैं। इसलिए राम जी का जीवन जो है एक हमारे लिए विशेष आदर्श है। तो मैं न्यायतः कहूँ कि राम जी केवल रावण को मारने या राक्षसों का वध करने नहीं, अपने भक्तों को प्रेम लुटाने के लिए आए थे। और उसमें जो ध्वजा में, राम जी की ध्वजा में जो दंड की भूमिका निभाए, वो दंड की भूमिका हनुमान जी की थी। इसीलिए राम जी ने इतना सम्मान दिया कि हमारे यहाँ अयोध्या में सबसे ऊँचा स्थान जो है वो हनुमान जी का, हनुमान गढ़ी में। और आज भी पूरी भव्यता से, दिव्यता से हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं। और अब तो राम मंदिर जब बन जाएगा अपनी पूरी शोभा के साथ, मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रसन्नता हनुमान जी के मन में ही होगी, क्योंकि एक सेवक के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसके स्वामी का सर्वत्र आधिपत्य हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना चाहोगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम पहले तो सभी हिंदू जनमानस की ओर से और हम सबकी ओर से, सर्वधर्म की ओर से उनको हम धन्यवाद देंगे कि इतने बड़े विवाद को उन्होंने सुलझा दिया है। जो रोज़ रोज़ की लड़ाई थी अब वह समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइन हमें दी है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि यह पूरी भूमि जो है रामलला विराजमान को दी जाएगी। और एक सबसे बड़े निर्णय की मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा इसलिए करूँगा कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को वह भूमि नहीं दिया, व्यक्तिगत किसी संस्था को न दे करके उन्होंने केंद्र सरकार से ही आग्रह किया है कि एक ट्रस्ट बना दिया जाए। ट्रस्ट में केंद्र सरकार अपने माननीयों को रखे और कुछ अधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग रहे, और उसके बाद वह जब एक ट्रस्ट बन जाएगा तो मुझे लगता है कि आगे भी कोई फिर विवाद नहीं होगा और एक समाज के लिए वह बेहतर एक रास्ता हो जाएगा और रामलला के मंदिर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से सब चलने लगेगी। मैं विशेष करके सभी हिंदुओं की ओर से और 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई को समाप्त किया और हम सबकी भावनाओं का सम्मान किया है। आज के जीवन में भगवान राम लोगों के लिए किस तरह से उपयोगी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राम जी का जो जीवन था वो एक मानव देह था,
और पूरे जीवन काल में उन्होंने कहीं भी यह प्रदर्शन नहीं किया कि वो कहीं से भगवान है या कहीं भी भगवान का अवतार है। आप सोचिए कि आज युवा हमारे छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ों पे मार्क थोड़े कम आ गए तो वो सुसाइड की ओर बढ़ते हैं या छोटी सी चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। आप सोचिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होते हुए, राजा दशरथ के पुत्र होते हुए भी मिलना था उनको राज्य, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि नहीं नहीं राज्य नहीं मिलना, आपको वनवास जाना है, तो भी उस बात से वो दुखी नहीं हुए, वन की ओर चले गए। तो जब वन की ओर जा रहे थे तो आज एक बंधुत्व की जो भावना में कमी आ रही है, उस भावना को सीखने की बात है। कि आप सोचिए कि जब उनसे लोगों ने कहा कि राम जी आपके चेहरे पर जो है जरा भी उदासी नहीं है, आपको मिलना था राज्य और मिल गया वनवास, कम से कम थोड़ा तो दुखी होना चाहिए, राम जी ने कहा देखो भाई दुखी वो होगा जिसका डिमोशन होगा, मेरा तो प्रमोशन हो गया उल्टा। तो लोगों ने कहा कैसे, तो कहा कि पहले मैं स्वयं युवराज बनता तो लोग मुझे युवराज कहते हैं, अब भरत युवराज बन रहे हैं तो मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं जब कहीं जाऊंगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अयोध्या के राजकुमार जा रहे हैं, अब लोग ये कहेंगे कि देखो अयोध्या के राजकुमार के बड़े भाई जा रहे हैं, अब तो मेरा सम्मान और बढ़ गया है। आप सोचिए कि कितना सकारात्मक जीवन है, कि नकारात्मकता का कहीं भी प्रवेश नहीं है। आगे बढ़े, केवट के पास आए। आज का आप जीवन देखिए कि कोई व्यक्ति छोटा सा पार्षद बन गया, छोटे से पद को प्राप्त करने के बाद कितना अहंकार होता है, समाज को विचलित करने का बार बार प्रयास करेगा, अपमानित करने का प्रयास करता है। राम जी स्वयं चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होते हुए भी गंगा जी के जब तट पे आए तो केवट को बुला रहे हैं। अब आप देखिए राम क्यों राम है, इसीलिए राम है कि जब केवट को बुलाया और केवट कहता है काम आपका है मैं क्यों आऊँ, आप मेरे पास आइए, तो राम जी जरा सा भी क्रोधित नहीं हुए, मुस्कुराते हुए केवट के पास स्वयं चल कर गए हैं। इसीलिए राम राम है हमारे लिए उपयोगी है। गंगा पार किए, चित्रकूट आए, चित्रकूट में उन्होंने अपना जो है 11.5 साल का कार्यकाल पूरा व्यतीत किया। चित्रकूट में भी पूरे जीवन काल में उन्होंने कहीं भी यह प्रदर्शन नहीं किया कि वह कहीं से भी भगवान है, और उनके मन में समाज की कितनी चिंता, आज देखिए आज व्यभिचार के और लोग कितना बढ़ रहे हैं। वही राम जी जब दंडक वन में आए नासिक के पास तो स्वयं सुपर्णा उनके पास आती है सुंदरी बनकर, हम लोग कितना आज भटक रहे हैं गलत गलत मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन राम जी जरा सा भी उसके प्रति विचलित नहीं हुए। दूसरी बात आप देखिए, आज लोग प्रेम की उपमाएं देते हैं, राम जी स्वयं ऐसे युवराज थे, सौंदर्य था, इतने बड़े राजवंश के वो परंपरा के युवराज थे। सीता जी का हरण हुआ, वो चाहते उस समय परंपरा थी राजा बहुत से विवाह करते थे, दूसरा विवाह कर लेते, लेकिन नहीं, यह भारतीय नारी का एक सम्मान था। उन्होंने वो एक सामान्य युवराज थे, पहनने को पादुका तक नहीं थी उनके पास, पहनने को वस्त्र नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े आतताई आतंकी से उन्होंने लड़ने का संकल्प लिया कि मैं लड़ करके उस भारतीय नारी को मैं वापस लेकर आऊँगा। आप सोचिए कि कितना बड़ा सकारात्मक जीवन है कि एक सामान्य युवक ने संकल्प किया कि मैं इतने बड़े आतंकी रावण से लड़ूंगा, और जब उनका संकल्प शुद्ध था, संकल्प अच्छा था, तो उनका सहयोग देने के लिए वानर, रीच, भालू, गिलहरी सब उनके साथ खड़े हो गए। माने एक जीवन का संदेश है कि जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ पूरी मानव जाति, पूरी ब्रह्मा की सृष्टि, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी है वो आपके साथ खड़े होंगे। सीता जी को वापस लेकर आए, और उसके बाद जब राम जी आकर राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी अपनी सारी प्रजा को बुलाते हैं, और प्रजा को बुलाने के बाद जब राम जी उपदेश करते हैं उनको उनके जीवन का कि देखो भाई यह जो जीवन है ये बड़ा दुर्लभ है, ये मानव देह बहुत दुर्लभ है, बहुत भाग्य से मानव देह मिलता है, इस मानव देह में जितना हो सके परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के ऊपर उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं नहीं कहता यज्ञ करना कोई बहुत बड़ा धर्म है, ठीक है आप अपने सुख के लिए करिए, समाज के सुख के लिए करिए, मंदिर में घंटी बजाना धर्म है, लेकिन उसके अलावा आप साक्षात जिसका सहयोग कर सकें, जैसे हमारे कनु भाई हैं कर रहे हैं कि दिव्यांगों के प्रति शिक्षा, उनके लिए सहयोग, उनके लिए चिकित्सा आदि की इतनी सारी व्यवस्थाएं इन्होंने की है, परहित से बड़ा कोई हमारे यहाँ धर्म नहीं है। और उसमें भी जब राम जी उपदेश कर रहे हैं तो एक बहुत अनुकरणीय वाक्य है, रामचरितमानस में लिखा है, भगवान ने स्वयं कहा कि जो अनीति कछु भाखो भाई तो मुहि वर्जो भय विसराई, मैं अगर कुछ गलत कहूँ तो बिना भय के तुम मुझे रोक देना, यही राम राम है। इसीलिए हमारे यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, एक कैसा आदर्श जीवन है। इसलिए आज के युग में मैं कहता हूं कि हमारे युवकों को राम जी को ही अपना हीरो मानना चाहिए। आज तो लोग बड़े बड़े अभिनेताओं को हीरो मानते हैं, वो हीरो क्या है, हीरो का मतलब क्या होता है, हीरो अर्थात HERO, H फॉर हैंडसम,
राम जी इतने हैंडसम है कि सुपर्णखा भी उनके ऊपर मोहित हो गई। ई फॉर एजुकेटेड, आज के हीरो तो कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, और राम जी इतने एजुकेटेड हैं कि गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सबाई, सारी विद्या राम जी के अंदर है। आर फॉर रेगुलर, जो नियमित हो, और आज तो सबसे बड़ी यही है कि टाइम की पंक्चुअलिटी हम सब में खत्म हो रही है। राम जी इतने रेगुलर हैं कि कोई भी काम वो समय से पूरा करते हैं, समय के पहले कर देते हैं, समय को बहुत विशेष ध्यान में रखते हैं। और ओ फॉर ओबीडियंट, आज जो कमी आ रही है हमारे युवाओं में, वो आज्ञाकारी बिल्कुल नहीं है। और राम जी कितने आज्ञाकारी कि पिताजी ने जब कहा कि राम तुम्हें वनवास जाना है तो राम जी रोने लगे, तो पिताजी ने सोचा कि लगता है कि तुम्हें वन जाने से भय लग रहा है इसलिए रो रहे हो, तो बोले नहीं पिताजी मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात भी आपको मुझे कहनी पड़ी, अगर मैं राम होता, मैं अच्छा पुत्र होता तो मुझे ये बात समझ जानी चाहिए थी, आपको कहनी नहीं चाहिए थी। तो आप सोचिए कि कितना आदर्श जीवन है। इसलिए मैं कहूँगा कि हम राम जी को एक व्यक्ति न समझ के एक व्यक्तित्व समझें, एक पर्सन न समझ के एक पर्सनैलिटी समझें, और अपने जीवन का एक धर्म की परंपरा को छोड़कर, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारी चीज़ों को छोड़कर हम राम जी को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। एक आदर्श पुरुष के रूप में यदि हमारे जीवन में राम जी आ गए तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई युवा विचलित होगा या कभी भी कोई स्ट्रेस में जाएगा, कभी कोई तनाव में जाएगा। इसलिए राम जी ही वर्तमान में हमारे लिए अनुकरणीय विशेष हैं। क्या रावण भी राम को हीरो मानते थे और इसी हीरो मानने के लिए उनसे मोक्ष मिले, इसीलिए सब हुआ, क्या वो बात सही है? देखिए बिल्कुल सत्य बात है। हुआ क्या कि जब सुपर्णखा की नाक काट भगवान ने काटी तो सुपर्णखा गई खरदूषण के पास, और खरदूषण को जब भगवान ने मार दिया तो जब फिर सुपर्णखा रावण के पास गई तो रावण को कहा कि खरदूषण को उस युवराज ने मार दिया है, तो फिर कहा रावण ने स्वयं कहा रामचरितमानस में कि खरदूषण मोहिसम बलवंता तिनहि कुमारहि बिनु भगवंता, और जब भगवान ने अवतार ले लिया है, जो भगवंत लीन अवतारा, अगर भगवान ने अवतार लिया ले लिया है तो अब हो ही भजन नहीं तामस देहा, इस तामस देह मेरा ऐसा है राक्षसी प्रवृत्ति में कि मुझसे भजन हो नहीं पा रहा। अच्छा देखिए परिस्थिति, आज हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है, उस समय भी बहुत भ्रष्टाचार था, और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि देश निकासई बहुविधि त्रासई जो कह वेद पुराना। उस समय बहुत भ्रष्टाचार फैल गया था, और तब उसने निर्णय किया कि जब इस देश से अब भगवान का भजन तो हो नहीं पा रहा है, भगवान अवतरित हुए हैं, तो मैं राम जी के द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त करके मैं भी उनके चरण में जाता हूँ। इसीलिए देखिए कि रावण ने अपने पूरे जीवन काल में कहीं राम का नाम नहीं लिया, लेकिन युद्ध के अंतिम चरण जब वो अंतिम बार युद्ध लड़ने आया तो उसने राम जी का नाम ले लिया, कहा राम रन हतौ पचारी, राम कहाँ है, मैं दौड़ा करके मारूंगा आज राम को, और राम जी का नाम जो लिया तब राम जी ने कहा अब ये मुक्ति का जो है इसने उपाय ढूंढ लिया है, अब ये भी मुक्ति का अधिकारी है, और राम जी ने फिर रावण को मुक्ति दी है। राम क्या है, देखिए राम क्या है, राम कोई एक पुरुष नहीं है, रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल, राष्ट्र का मंगल जिनमें छिपा हुआ है वही राष्ट्र है। भारत से अगर राम के र को निकाल देंगे भारत जो है वो भात बन जाएगा, और भारत भात बन जाएगा तो आज भ्रष्ट नेता जो है सब खा जाएंगे इस देश को, इसलिए भारत में राम जी की नितांत आवश्यकता है, राम जी के बिना भारत की कोई परिकल्पना नहीं है। राम जी का ही एक विराट स्वरूप यह भारत है और भारत का ही एक छोटा स्वरूप राम जी है मेरी दृष्टि से। पद्मश्री कनुबाई द्वारा चलाए जा रहे डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आपने मुलाकात ली, तो उसके बारे में आपने क्या अनुभव किया और आप क्या कहोगे? मैं पहले तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और न्यायता एक कहूँगा कि मैं वेलफेयर ट्रस्ट में नहीं आया हूँ, मैं एक तीर्थ यात्रा करने आया हूँ। ये दिव्यांगों का एक तीर्थ है जहाँ पर दिव्यांग देवता बनकर यहाँ पर विराजे हैं, हम सब उनके दर्शन कर रहे हैं, तो मुझे जरा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं चित्रकूट से बाहर हूँ। मुझे यहाँ कर बहुत ही प्रसन्नता हुई जो दिव्यांगों की सेवा, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जगन्नाथ जी जो है वो भी दिव्यांग ही हैं, उनके भी हाथ पैर निजी नहीं हैं, उनको भी पुजारीगण अलग से लगाते हैं हाथ पैर, तो जब उन दिव्यांग की उन काष्ठ मूर्ति की हम पूजा करने जाते हैं तो जब हमारे यहाँ साक्षात दिव्यांग, हमारे यहाँ साक्षात जगन्नाथ प्रभु है समाज में, तो हमें न्यायतः इनकी पूजा भी करनी चाहिए, और वो पूजा के लिए कि ये सुंदर देवालय, सुंदर यह एक स्थान
हमारे पूज्य पद्मश्री कन्हू भाई टेलर ने निर्मित किया है, वह हम सबके लिए पूज्य हैं। और मैं उनकी इस विचारधारा को, उनकी इस परिकल्पना को, उनके इस संस्थान को, इस विशाल वटवृक्ष को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और मैं समाज से भी आग्रह करूँगा, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि आप भी अपने जीवन को यदि सार्थक करना चाहें तो निश्चित एक बार यहाँ आकर के दिव्यांगों की सेवा के दर्शन करें। और एक विशाल ऋषि जो हमारे एक वटवृक्ष के समान यहाँ पर विराजमान है, पद्मश्री कन्हू भाई टेलर, आप उनसे भी एक बार अवश्य मिलें, आपके जीवन में एक नई प्रेरणा आएगी। आप दिव्यांग न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो? हम यही कहना चाहेंगे, एक तो पहली बात कि दिव्यांगों के प्रति हम सब सम्मान की भावना ले आएं, उनको अवसर देने की भावना ले आएं। और भारत सरकार से भी कहेंगे कि एक विशेष कोटा, आप जो आरक्षण वर्तमान में 5% का शायद आरक्षण है दिव्यांगों के लिए, उस कोटे को बढ़ाया जाए। जब तक दिव्यांग हमारे समानता में नहीं आएंगे, तब तक लाख को हम उनका भला नहीं कर सकते। एक उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ, उच्च शिक्षा के और भी संस्थान बनाए जाएँ, और घरों से ले आकर के उनको विशेष शिक्षा दी जाए। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दिव्यांगों को स्वावलंबन की ओर एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। और अपने सभी दर्शक मित्रों से एक ही बात मैं कहूँगा कि बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो, और बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। खूब खूब धन्यवाद आचार्य रामचंद्र दास जी, दिव्यांग न्यूज चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।